जय हिंद। रुद्र स्पोर्ट मैथ करियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्व समीका का प्रयोग करके दिए गए प्रश्नों का मान ज्ञात करना, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था जो सर्व समीका दी थी वह a प्लस बी का होल क्यूब दिया था, इसमें आपका दिया गया है a माइनस बी का होल क्यूब। तो बस सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्स माइनस सेवन का होल क्यूब, हमें इस सम का जो दी गई है इसका उपयोग करके इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसका आप विस्तार कर दीजिए। देखिए सम का क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसी रूप में हमें इसको बनाना है। अगर हम x को a और 7 को b मानते हैं तो देखिएगा यह क्या होगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसको देखिएगा, आप x की जगह a को अगर x मानते हैं तो देखिए क्या होगा, x की घात क्यों होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, माइनस का b क्यों है तो यहाँ पे 7 का क्यों हो जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या होगा, 3 इंटू a इंटू बी यानी कि 7, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, a माइनस बी तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपने इसको तोड़ दिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, यह देखिएगा, आप इसको हल कीजिए तो x क्यों हो जाएगा माइनस का, देखिए 7 का जो क्यू होता है आपका कितना होता है, तो 7 का क्यू देखिएगा आप करेंगे तो 343 आएगा, ठीक है। 7 का जो क्यू आएगा 343 आएगा। उसके बाद आप देखिएगा 343 माइनस का देखिए 7 × 21, उसके बाद x, ठीक है, इधर ब्रैकेट में x माइनस 7 हो जाएगा आपका। उसके बाद आप देखिएगा इसको और भी सरल कीजिए तो एक्स क्यू माइनस का 343, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए माइनस का x में गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 21 एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का 21 है और इसका माइनस के साथ में गुणा होगा तो यह कितना हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा आपका, तो 21 का गुणा जब आप करेंगे तो ये 21 का गुणा जब आप साथ में करेंगे तो देखिए 7 × 7, ठीक है, और 7 × 14 = 147 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप और भी सरल करके लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे, एक्स क्यू माइनस का यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सॉरी एक्स क्यू प्लस का यहाँ पे ये वाला 147 एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप 21 एक्स स्क्वायर माइनस का 343, ठीक है। आपके प्रश्न में जिस प्रकार से उत्तर दिया हो आप उस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। चलिएगा एक और प्रश्न हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ दिया है 4 − 1/3y का होल क्यूब, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। तो देखिएगा यह संख्याएं इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका चिन्ह समान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरे प्रश्न को भी हमें इसी रूप से विस्तार में करना है, ठीक है, इसी फॉर्मूले के रूप में। तो देखिए इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर देखिए ए की जगह आपका 4 है और यहाँ पे देखिए 1/3y जो है ये मान लीजिए b की जगह है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले के रूप में इसको जब आप तोड़ेंगे तो देखिएगा a की जगह आपका 4 है तो 4 का q हो जाएगा माइनस का, b की जगह 1/3y है इसका आपको q कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए माइनस का 3 × 4 × 1/3y, क्योंकि b की जगह 3y है, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी तो यहाँ पर 4 − 1/3y हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या करेंगे, अब इसको हल कर लेंगे तो 4 का क्यों जो होता है कितना होता है आपका 64 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/3 का क्यों 27 वाई की घात क्यों, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 4/1y ब्रैकेट में 4 − 1/3y। उसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पर इसको और सिंपल कर लेंगे, सरल कर लेंगे, देखिए यहाँ आ जाएगा 64 − 1/27 वाई की घात क्यू माइनस, देखिएगा इसका आप गुणा कर लीजिए तो माइनस का 4/y का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 16/y, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस का 4/y का गुणा माइनस के 1/3 में करेंगे तो माइनस माइनस का चिन्ह गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा 4/3y² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा व्यवस्थित करके लिख सकते हैं और भी, तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे देखिएगा, इसको आप लिखिए 4/3y² − 1/27
वाई का क्यू माइनस का 16 अपन वाई प्लस का 64, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं, अन्यथा आपका उत्तर यही सही है, ठीक है। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। चलिएगा एक प्रश्न हम आपको यहाँ पर देते हैं जिसका आंसर आप लोग स्वयं कीजिएगा, देखिएगा इसका आंसर आप लोग स्वयं करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए तीसरा प्रश्न जो है आपका वह दिया है 8 माइनस का 2a, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, होल क्यूब ज्ञात करना है, ठीक है, इसका आपको विस्तार करना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।